बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, होप यू ऑल ऑफ वुड बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम इमरा खान, होप यू वुड बी फाइन टू। यस्टरडे यू वर एब्सेंट। स्टूडेंट्स, आई गेव अ क्वेश्चन एज अ होमवर्क, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 14, इज इट? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 4। जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है वो हैंड रेस करें, अटेम्प्ट भी किया है तो हैंड रेस करें, अटेम्प्ट भी किया है तो हैंड रेस करें। उम्मे फारिया ने काम किया, कुनूत ने काम किया, किस्सा जहरा ने काम किया, मिर्जा राहिल ने काम किया, अशर भाई काम नहीं कर सके और निमरा खान ने काम नहीं किया। ओके, तो यू फोर आर गोइंग टू चेक द आंसर एंड हेल्प मी टू करेक्ट दिस इफ खुदा ना खास्ता ये कोई इसमें गलती है। बताइए, सबसे पहले आपने करीम को कितने रुपए का मालिक बनाया है पहली एंट्री में? क्वेश्चन 4 में आपने करीम को कितने रुपए का मालिक बनाया है? पहली एंट्री में 15,000 रुपए का मालिक बनाया है पहली एंट्री में। अच्छा, मिर्जा राहिल और किस्सा जहरा का आंसर मैच हो रहा है, उम्मे फारिया और कुनूत का आंसर मैच हो रहा है, तो बस अब एक आयशा बची, उसका वोट चाहिए मुझे। लो, उम्मे फारिया ने चेंज कर दिया, 92,000 बोल दिया, पहले 15,000 बोल के अब इसने भी 92,000 बोल दिया, 92,000 का है कैपिटल। जी भाई, 92,000 है, तो ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, इसमें देर लगा देंगे आप लोग। ठीक है, चलें भाई, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं यार? आप लोग दवाइयाँ क्यों पीते हैं इतनी ज़्यादा कि आपका नशा ही ख़त्म नहीं होता? मैंने आपसे बोला पुनोत, मैंने क्या पूछा, पहली एंट्री में करीम ये सब चीज़ें लेकर आया और अकाउंट पेबल भी क्रेडिट हुआ, अलाउंस फॉर बैड डेट भी क्रेडिट हुआ, उसका कैपिटल कितने से रिकॉर्ड हुआ मेरा बेटा? आयशा, आपने काम किया ये? पुनोत तो लेफ्ट कर गई मेरा ख्याल है। पुनोत, पुनोत जवाब दो बेटा। जी आयशा, 92,000 ना मेरा बेटा, तो आप लोग 15,000 लिख के भेज रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं है सर इमरान क्या पूछ रहे हैं। जी आयशा, आपने काम किया है? लो भाई आयशा, आयशा तो चली गई, उसने बोला काम नहीं किया, चले जा किसी में इज्जत कर। भाई चेक कर लें पहले एंट्री, आप लोग इतना कन्फ्यूज करते हैं। 92,000 अच्छा खासा सब लोग जवाब दे देते, मैं आगे बढ़ जाता। कैश 15,000 रुपीज़ डेबिट किया है सब बच्चों ने, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 रुपीज़ डेबिट किया है सब बच्चों ने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा होगा 4,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट में लिखी है सब बच्चों ने 42,000, और ऑफिस इक्विपमेंट सब बच्चों ने डेबिट में लिखा है 25,000। इसके बाद क्रेडिट में आया है अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल की अमाउंट है 16,000 रुपीज। बस अब जब आपने इसका डिफरेंस लिया तो करीम का कैपिटल बना 92,000। ओके है, आगे बढ़ूं। दूसरी एंट्री में रहीम को आपने बिजनेस में बोला आ जाओ, वेलकम रहीम भाई, बिजनेस में लाए कैश 20,000, अकाउंट रिसीवेबल वही डेबिट हुआ 40,000, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा है 1,000 सब बच्चों ने। कितना लिखा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स? 1,000 लिखा है या नहीं? नहीं लिखा तो सही कर लें। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सब बच्चों ने डेबिट की है 24,000 रुपीज से, और ऑफिस इक्विपमेंट आप सब ने डेबिट किया 20,000 रुपीज से। कितने से डेबिट किया? 20,000 रुपीज से ऑफिस इक्विपमेंट।
उसके बाद अकाउंट पेबल को कहता है 1/3 अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड, यानी लायबिलिटी की 3 में से 1 हिस्सा कबूल किया नए बिजनेस में, तो बाकी 2 हिस्से कौन अदा करेगा जवाब दो, बाकी 2 हिस्से लायबिलिटी कौन अदा करेगा जवाब दो। सोए मुसलमानों शुक्रिया, बाकी 2 हिस्से खुद बोले तो कौन, खुद ले भाई करीम जवाब दे रहे हैं, अशर भाई अल्लाह माफ करे, मैं बात कर रहा हूँ रहीम के बारे में, उनका दिमाग करीम के ऊपर ही लगा हुआ है। अबे करीम से बात आगे भी बढ़ा लो, अब रहीम के भी आ जाओ भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहीम जो है उसकी लायबिलिटी 30,000 में से रिकॉर्ड होगी सिर्फ 10,000 रुपए, बाकी 20,000 वो अपनी जेब से खुद अदा करेगा, ये उसका मसला है, हमें इससे गर्ज नहीं है। अब डिफरेंस बताओ इस एंट्री का कितना बना, यानी रहीम का कैपिटल कितना बना, 93,000 सबके पास, 93,000। इसमें भी कुछ नई वैरायटी लाओ ना डिफरेंट, ताकि मैं बोलूं कैसे अलग अलग आ रहा है। अच्छा अब इसके बाद तीसरी एंट्री तुमने बनाई, और तीसरी एंट्री में तुमने करीम से पैसे मंगवा लिए, करीम से तुमने कितने पैसे मंगवा लिए, 28,000 सही है, और रहीम से कितने पैसे मंगवाए, ये चौथी एंट्री बनाई होगी और हो सकता है कंपाउंड बनाई हो, रहीम से मंगवाए 7,000। अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं कंपाउंड एंट्री सुनाऊं या दो अलग अलग, बोलो कंपाउंड या अलग अलग, कंपाउंड भी सुना दें अलग अलग भी सुना दें, ओके। तो कंपाउंड पहले अलग अलग सुनाता हूँ फिर कंपाउंड। पहली एंट्री बनाई कैश डेबिट करीम कैपिटल क्रेडिट 28,000, यानी तीसरी, और चौथी एंट्री बनाई कैश डेबिट रहीम कैपिटल क्रेडिट 7,000। इसके बाद अगर कंपाउंड एंट्री बनाना चाहते हो तो एंट्री नंबर 3 लिखकर एक एंट्री बनाई, कहा कैश डेबिट 35,000, करीम कैपिटल क्रेडिट 28,000 और रहीम कैपिटल क्रेडिट 7,000 रुपीज। समझ में नहीं आया तो पूछ लें, इसके बाद मेरे मुताबिक काम हो गया ख़त्म, और एंट्रीज बनानी थी और क्या बना के दिखानी थी, बैलेंस शीट, नहीं बनाई तो बैलेंस शीट बना लीजिएगा। क्वेश्चन 14 पे आ गया मैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 में प्यारे बच्चों, March 1, 2014 फॉलोइंग बैलेंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अशर एंड मिस्टर नसर, अशर और नसर सही है, ये सोल ट्रेडर का मतलब क्या है, दोनों अकेले अकेले कारोबार कर रहे हैं, अशर के पास बिजनेस में क्या कुछ है आप नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपको अंदाजा है, कैश अकाउंट पेबल अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफिस सप्लाईज बिल्डिंग फर्नीचर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स पेबल, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसे पढ़ के आप बोले ओए हो ये तो बड़ा मुश्किल नाम है मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या होता है, हर अकाउंट के नेचर आपको पता है, कैश अकाउंट रिसीवेबल, इसी तरह ऑफिस सप्लाईज बिल्डिंग फर्नीचर, इन सब की नेचर क्या है, अच्छा आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा अभी कुछ नहीं है आपके पास, ओके ओके मैं समझ गया, अच्छा भाई आप भी मजाक करते हैं इसका मतलब बेटा, ये कैश अकाउंट रिसीवेबल ऑफिस सप्लाईज बिल्डिंग फर्नीचर ये फिक्स एसेट है मेरा बच्चा, उम्मे फारिया निमरा है क्लास में, आयशा है, जवाब भी देना होता है बेटे, सुन नहीं बैठना होता वरना फिर मैं आपका नाम लेके पूछूंगा बेटे, कैश अबे ढक्कन, कैश अकाउंट रिसीवेबल ऑफिस सप्लाईज बिल्डिंग फर्नीचर ये पूछ रहा हूँ क्या है, हाँ सिंपल आंसर है, कहानियां घुमाई जा रही हैं बेटे, आयशा आपको दावत भेजूं क्या, कार्ड भेजूं घर पे, आप क्यों नहीं जवाब भेजने, कुनूत ये करंट एसेट कैसे हैं भाई, क्या हो गया आप लोगों को मेरा बच्चा, इतने जहीन हो गए भी बेवकूफों वाली बात, ये करंट एसेट कैसे होगा, कैश अकाउंट रिसीवेबल ऑफिस सप्लाईज के बाद मैं बिल्डिंग और फर्नीचर भी तो बोल रहा हूँ बेटा, तो ये सब क्या है हमारे एसेट हैं, हाँ अगर मैं बोलूँ करंट कौन से हैं तो आप बोलोगे कैश और अकाउंट रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाईज, सही है अशर साहब, कैश अकाउंट रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाईज ये करंट एसेट हैं और बिल्डिंग और फर्नीचर हमारे नॉन करंट एसेट हैं। अच्छा अब आगे बढ़ जाता हूँ भाई, मैं तो इतनी आसान चीज डिस्कस करने लग गया, मुझे लग रहा था आप लोगों को आती है।
अब लिखा है ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप एंड डिसाइडेड एज अंडर अशर कंट्रीब्यूट करेगा 1/5 ऑफ हिज कैश. अशर के पास कैश है 1,50,000, इसका 1/5 लिया, जवाब आया 30,000. रिक्वायर्ड के मुताबिक क्या बनानी है आपने, एंट्रीज बनानी है जर्नल जर्नल में और बस, और कुछ नहीं बनाना. टू रिकॉर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अशर एंड नसर, बैलेंस शीट भी नहीं बनानी. तो बताइए आपने सबसे पहले कैश डेबिट किया, बिजनेस का नाम क्या लिखा, बिजनेस का नाम क्या लिखा, स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर नहीं बेटा, बिजनेस का नाम है ए एंड एन पार्टनरशिप. सही हो मैं फारिया, ये जो लिखा ना यहाँ पे ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल, तो ये अंडर द नेम एंड स्टाइल का मतलब होता है यानी इसके मुताबिक. यहाँ ये स्टाइल का मतलब मुताबिक है, यहाँ स्टाइल का मतलब बिजनेस का नाम नहीं है. अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप, तो आप अशर एंड नसर पार्टनरशिप भी लिख सकती हैं और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए एंड एन पार्टनरशिप. उम्मीद फारिया क्लियर, आगे बढ़ूं, विनोद क्लियर है ये, आगे बढ़ूं. निम्रा तुम हो क्लास में, रिप्लाई करने की तौफीक भी होनी चाहिए. ओके तो आप लोगों ने ए एंड एन पार्टनरशिप लिखा, उसमें लिखा आपने जर्नल जर्नल, थर्ड लाइन में डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, और आपने सबसे पहले एंट्री बनाई 2014 मार्च 1 एंट्री नंबर 1 कैश डेबिट, और कैश की अमाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 30,000 रुपए कैश सबने डेबिट में लिखा है. उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 70,000 ही कॉपी किया. उसके बाद अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स अभी देखें तो ये 6,000 रुपए है. अगर अशर के मुताबिक बात करें तो अशर को लगता है कि उसे 70 में से 6 नहीं मिलेगा, अशर को मिलेंगे 64,000, ये अशर की सोच है. लेकिन दोनों राजी हैं कि अशर को मिलेंगे कितने, 68, तो 70 में से 68 मिलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू 68 है. तो कितने नहीं मिलेंगे बोलो जल्दी, कितने नहीं मिलेंगे, तो ये 2,000 रुपए कहाँ रखने चाहिए, जो नहीं मिलेंगे वो कहाँ रखने चाहिए, पूरा लिखा करो राहिल भाई. खाली बैड डेट, बैड डेट एक्सपेंस भी होता है बेटे जी, इनको रखना चाहिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में. ठीक है, जितने रुपए नुकसान हमें फ्यूचर में लग रहा है होगा, हमें उतने रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रखे होने चाहिए. अच्छा जी, अब 2,000 तो आपको समझे नहीं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखेंगे सब बच्चे 2,000, सही. उसके बाद कह रहा है ऑफिस सप्लाईज यहाँ 25,000 की हैं, वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज 30,000 की लिखेंगे, आपने ऑफिस सप्लाईज डेबिट में लिखी 30,000 की, सही है. समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं मिर्जा राहिल आप, स्पेलिंग बैक है सर. अच्छा माशाल्लाह, तो आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को. इसके बाद ऑफिस सप्लाईज 25 की लिखने के बजाय आपने कितने की लिखनी, 30,000. बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू 160 है, तो आप बिल्डिंग ऊपर कितने की लिखी है, उस पर डेप्रिसिएशन क्या है, सब चीज़ों पर लानत भेजी और बिल्डिंग डेबिट कर ली 1,60,000. फर्नीचर को भी कौन सी वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू पे, तो फर्नीचर के ऊपर क्या वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू 77,000, उस पर डेप्रिसिएशन 3,000. इन सब पे भेज दी लानत और कहा फर्नीचर की वैल्यू डेबिट होगी कितनी, फर्नीचर की वैल्यू डेबिट होगी कितनी, बेटे पढ़ो तो सही. बिल्डिंग की वैल्यू तो किस पर लेनी है, एग्रीड वैल्यू 1,60,000, तो आपने बिल्डिंग की वैल्यू 116 लिखी थी, 160 ले ली. लेकिन फर्नीचर की वैल्यू क्या लिखी है, जरा गौर से पढ़ें. उम्मे फारिया आपका शुक्रिया, किस्सा जहरा आपका शुक्रिया, आयशा आपका शुक्रिया, तीन लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया. फर्नीचर को किस वैल्यू पर लेना है, क्या फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू गिवन है, भाई अशर भाई और आयशा, आयशा ने भी जवाब दे दिया भाई जबरदस्त, राहिल ने भी जवाब दे दिया, सुनो तो आप हैं क्लास में, आप पहले ही जवाब दे चुके हैं जबरदस्त भाई, सब जवाब दे चुके हैं. तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ. फर्नीचर की वैल्यू वैसे 77 है, 3,000 डेप्रिसिएशन के बाद बनती 74 है, और वो कह भी रहा है कि फर्नीचर को कौन सी वैल्यू पर लो, बुक वैल्यू, उसका मतलब है हम 74,000 रुपीज ही लिखेंगे. फर्नीचर की वैल्यू सब कितने लिखेंगे एंट्री में, 74,000 रुपीज. उसके बाद मेरे बच्चों आखिरी चीज आपने क्या लिखी है, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल के बारे में क्या लिखा है, अकाउंट पेबल के बारे में क्या लिखा है,
अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। जरा इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है। अशर अदा कर रहा है या अशर अदा करेगा, चार में से एक हिस्सा अपनी लायबिलिटी का फ्रॉम प्राइवेट फंड, यानी अशर कह रहा है मेरी लायबिलिटी जितनी भी है उसमें से मैं एक हिस्सा अदा करूंगा, तो वो कितने हिस्से अदा नहीं करेगा आप बताओ, वो कितने हिस्से अदा नहीं करेगा, कितने हिस्से, तीन, तो वो तीन हिस्से लायबिलिटी कौन लेगा आप ये बताओ, वो तीन हिस्से लायबिलिटी कौन अदा करेगा फिर। अशर ने तो मना कर दिया, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में कितनी लायबिलिटी आ जाएगी, तीन हिस्सों की, तो कैसे निकालें, 60,000 मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर। सर थ्री समझ नहीं आया, थ्री कौन से ले आए आप। अरे मेरा बेटा अशर कह रहा है मैं चार में से एक हिस्सा लायबिलिटी खुद अदा करूंगा अपने जाती पैसों से, तो चार में से एक वो अदा कर रहा है, तो चार में से एक माइनस करो तो कितने बचे, तीन, कितने में से बचे, तीन, चार में से, तो आप क्या करो 60,000 मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर। फिर कह रहा हूँ 60,000 मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर, जवाब आया 45,000 रुपीज, का मतलब 45,000 लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी नए बिजनेस में। आप मुझे जल्दी से बताओ अशर कितने रुपए का मालिक बना, जिन्होंने एंट्री सारी ऐसी बनाई हुई है जैसे मैंने कहा, तो अशर मालिक बना 3 लाख, अशर मालिक बना 3,17,000 का। जी प्यारे बच्चों बताइए समझ आ गया आप लोगों को, 3,17,000 से मालिक बना कौन, अशर। अब नसर के बारे में बात करूं, नसर ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया, जिंदगी आसान कर दी। नसर ने कहा नसर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट, नसर ने अपने सारे एसेट बेच दिए सिवाय फर्नीचर के। अच्छा तो कितने में बेचे, आपको तकलीफ है कोई, कितने के थे, कितने में बेचे, आपको तकलीफ है कोई, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ये उसका अपना पर्सनल जाती फेल है। एंड पेड ऑल ऑफ हिज लायबिलिटी, और उसने सारी जिम्मेदारियां भी अदा कर दी, वाह भाई वाह। और फिर क्या किया, ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप, कौन से वैल्यू पर, तो फर्नीचर जरा देखना उसका कितने का था, फर्नीचर था कितने का, 35, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ हुआ था, बोलो कितना, 5,000 फर्नीचर की बुक वैल्यू बनी। मेरे मुताबिक दूसरी एंट्री सुनना, फर्नीचर डेबिट 30,000, और आगे क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, संभल के, हाँ अंग्रेजी खतरनाक है, एंड सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद मिस्टर अशर, और इतना पैसा मजीद लगाया किसने, किसने, कि उसका हिस्सा नसर ने लगाया, बिल्कुल सही, कि उसका हिस्सा बराबर हो गया किसके। तो पहले बताओ अशर कितने का मालिक बन चुका है, अशर कितने का मालिक बन चुका है, 3,17,000 का। तो यकीनन नसर भी चाहता है वो भी मालिक बने 3,17,000 का। नसर लेकर आया है सबसे पहले फर्नीचर जिसकी मालियत है, जिसकी मालियत है, नसर के मुताबिक फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू कितनी है, तो 3,17,000 में से 30,000 को सब बच्चे कर दें, 3,17,000 में से 30,000 को सब बच्चे कर दें माइनस, तो जवाब आया 2,87,000। इतने रुपए नसर भाई लेकर आएंगे बोलो क्या, इतने रुपए नसर लेकर आएगा बोलो क्या, कैश। तो दूसरी एंट्री बस आखिरी बार बोल रहा हूं, फर्नीचर डेबिट 30,000, कैश डेबिट 2,87,000 और 2,87,000 और नसर कैपिटल क्रेडिट 3,17,000। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या आप जिंदा हैं,
क्यों ना आखिरी सवाल भी आज ही पढ़ के खत्म कर दें चैप्टर को, क्या कहते हो? मीटिंग में जितना टाइम बचा है वो आज पढ़ के आज ही खत्म कर देते हैं चैप्टर को, है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। नहीं, हमारी क्या विश है सर, विश तो आपकी है, विश भी आपकी है और विच भी आपकी है। ओके चलें, क्वेश्चन नंबर 15। माहिन रनिंग अ बुटीक फॉर्म्स अ पार्टनरशिप विथ राहीन, कौन कारोबार कर रहा था? बस हो गए क्या? कारोबार कर रही थी माहिन, बुटीक चला रही थी, उसने बनाई पार्टनरशिप किसके साथ? अंडर द नेम ऑफ एम आर बुटीक, जनवरी 1, 2015। जिंदा हो ना, आगे बढ़ूं। द बैलेंस शीट डेटा ऑफ माहिन बुटीक, किसका डेटा दिया हुआ है? किसका डेटा दिया हुआ है? माहिन का। सही है, माहिन के पास बेटा, माहिन का दिया हुआ ना, मिर्जा राहिल। अब माहिन के बिजनेस में उसके पास क्या क्या है? कैश है, अकाउंट रिसिवेबल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, यानी माहिन ने लोगों से 2.50 लेने हैं और उसे लगता है उसे नहीं मिलेंगे। कितने? वेरी गुड। माहिन के पास मर्चेंडाइज है 3,40,000 की, प्रीपेड रेंट, उसने किराया एडवांस में दिया हुआ है कितना? 30,000। उसका स्टोर इक्विपमेंट है 5 लाख रुपए का, उसके स्टोर इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो चुका है 1 लाख रुपए, उसके जिम्मेदारी है 97,000, और उसने किसी को लिखा हुआ वादा किया हुआ है कितने रुपए देने का? अरे सो जाते हो क्या अचानक? उसने कितने रुपए का लिखा हुआ वादा किया हुआ है? पढ़ा तो है मैंने अभी यार तुम्हारे सामने, माहिन ने किसी से वादा किया हुआ है लिखा हुआ कि उसे कितने? तो प्यारे बच्चों, जो स्टोर इक्विपमेंट है 5 लाख रुपीज का, इसके बारे में तो बात हो गई थी, हम बात कर रहे थे नोट्स पेबल के। माहिन ने किसी से लिख के वादा किया हुआ है कितने रुपए अदा करने का, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 80,000। उसके बाद कहता है अकाउंट रिसिवेबल। अब यहाँ पे नीचे ना एक जुमला लिखा है, माहिन ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप हर एसेट। माहिन ने अपने एसेट पार्टनरशिप में ट्रांसफर करने का फैसला किया, और सिवाय किसके बोलो? और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करेगी, माहिन अपने तमाम एसेट ट्रांसफर करेगी सिवाय प्रीपेड के, और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी, लेकिन किन वैल्यू पर? जो नीचे दी गई है। सही है। अच्छा, अब सुनने की बात यह है कि भाई यहां सबसे पहली वैल्यू किसकी दी हुई है बताओ? अकाउंट रिसीवेबल की। कुनूत, तो आपसे ही मेरा सवाल है, क्या वो सिर्फ सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल ट्रांसफर करेगी? उसके पास सबसे पहले क्या था? जी बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने कुनूत की तरफ इशारा इसलिए किया कि कुनूत जवाब दे दे पहले। जी मेरा बच्चा, एग्जैक्टली। उसके पास सबसे पहले कैश है, तो वो पहले कैश ट्रांसफर करेगी। तो सर यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि कैश जितना होता है उसकी वैल्यू आमतौर पे उतनी होती है, और अगर किसी चीज के बारे में यहाँ नहीं लिखा तो जितना ऊपर लिखा है वही वैल्यू लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ूं तो सबसे पहले माहिन के बिजनेस से गया कैश, और पार्टनरशिप फॉर्म एम आर बुटीक में सबसे पहले आया कैश। एंट्री बनाओगे मेरे साथ साथ तुम लोग? आखिरी 10 मिनट हैं, आप बनाओगे साथ साथ बनाओगे या मैं बोलूं? बाद में बना लोगे, जैसे आप लोग बोलो, मैं बोलता जाऊं रफ अंदाज में। ओके, कैश डेबिट 50,000। उसके बाद अकाउंट रिसिवेबल हमेशा उसी वैल्यू से होता है जैसे आपका दिल चाहे। उम्मे फारिया, सिर्फ सुनने पर मैं लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है? कि अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट होगा 2,50,000 से ही। सही है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ अकाउंट रिसीवेबल के बारे में लिखा है 250, तो ये भी अकाउंट रिसीवेबल 250 लिखा है। इसका मतलब है आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखने की। बोलिए, इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखने की। अब
बोल ही नहीं रहा, आप सब लोग खामोश हो रहे हैं, जरूरत नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अब नहीं लिखेंगे। सर क्यों नहीं लिखेंगे भाई, माहिन को भी लेने हैं 2,50,000 और ये एग्री कर रहे हैं इन वैल्यू पर कि हम अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 ही लिखेंगे, तो 2,50,000 लिखा जाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, माहिन की मर्चेंडाइज उसके मुताबिक 3,40,000 की है और एग्री किया कि कितने की लिखेंगे, 3,00,000, तो अब 3,40,000 में भेज दी लानत। और तीसरा डेबिट, पहला डेबिट कैश 50,000, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,50,000, तीसरा मर्चेंडाइज 3,00,000। और इक्विपमेंट और लाइबिलिटी को किस वैल्यू पर लेना है, बुक वैल्यू। तो हमने कहा भाई प्रीपेड रेंट छोड़ दो, स्टोर इक्विपमेंट 5,00,000 का है, 1,00,000 डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू बनी। फिर बोल रहा हूं, कैश डेबिट 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,50,000, मर्चेंडाइज डेबिट 3,00,000 और इक्विपमेंट डेबिट 4,00,000, स्टोर इक्विपमेंट डेबिट 4,00,000। यहां तक क्लियर है? उसके बाद कहा और लाइबिलिटी को भी उसकी मौजूदा कीमत पर। अब अकाउंट पे बिल आएगा, लेकिन अकाउंट पे बिल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है हमेशा, लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है मेरे बच्चों, हमेशा क्रेडिट। तो जरा देखना, यहाँ पे आगे लिखा है गुडविल ऑफ माहिन इज टू बी रिकॉग्नाइज एट ₹1,00,000। गुडविल भी लिखी जाएगी, रिकॉग्नाइज का मतलब लिखी जाएगी, गुडविल भी लिखी जाएगी। किसकी गुडविल, माहिन की, कितने रुपए, 1,00,000। सर ये क्या चीज है जरा बताना, पहले से बुटीक कौन चला रहा था? तो माहिन कहेगी राहीन तुम्हें तो कोई जानता, माहिन राहीन से कहेगी तुम्हें तो कोई जानता, तुम अपना बुटीक खोल के देख लो, तुम्हें अपना बुटीक खोल के उसे सेट करने में टाइम लगेगा, मेरे साथ कारोबार मिलकर करोगी तो इसका मतलब है मेरे वजह से तुम्हें भी फौरन मुनाफा मिलना शुरू होगा, तो मैं अपने कारोबार का मार्केट में जो अच्छा नाम डेवलप कर चुकी हूं मैं उसको भी बिजनेस में लिखूंगी। और उस अच्छे नाम को कहते हैं, उस अच्छी रेप्यूटेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, और गुडविल की नेचर क्या होती है, गुडविल हमारा क्या होता है, ये अच्छा नाम किसे फायदा पहुंचा रहा था पहले, सिर्फ, बिल्कुल सही, एसेट और फिक्स एसेट जी, पहले ये माहिन को, लेकिन अब ये माहिन को अकेले फायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि माहिन ने राहीन के साथ मिलकर कारोबार कर लिया है, तो अब इसका नाम हो गया एमआर बुटीक। तो एमआर बुटीक में गुडविल में भी हुआ इजाफा, तो गुडविल डेबिट करोगे आप लोग। एक बार दोबारा बोलता हूँ जल्दी जल्दी, कैश डेबिट 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,50,000, मर्चेंडाइज डेबिट 3,00,000, इक्विपमेंट डेबिट 4,00,000 और गुडविल डेबिट 1,00,000, सारे डेबिट हो गए। अब क्रेडिट की तरफ आता हूँ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखना नहीं है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं है। अब क्रेडिट में पहली लाइबिलिटी आएगी अकाउंट पेबल, और लाइबिलिटी को भी किस पे लेना है, बुक वैल्यू, मौजूदा कीमत पर। तो अकाउंट पेबल 97,000 क्रेडिट होना चाहिए, यस और नो? और नोट्स पेबल भी क्रेडिट होगा, ये नोट पेबल किसने अदा करना था, माहिन ने, लेकिन आप दोनों मिलकर अदा करेंगे, ये भी क्रेडिट होना चाहिए, यस और नो? तो अब डिफरेंस तो आप लोग बताओ मुझे क्या आएगा, मुझे क्या पता, डिफरेंस तो आप लोग बताओ ना, जो बच्चा लिख के काम कर रहा है वो डिफरेंस बताए। 50, 2,50, 3,00,000, 3,00,000 और 3,00,000, 6,00,000, 6,00,000 और 4, 10,00,000, 10,00,000 और 11,00,000, 11,00,000 डेबिट का टोटल बना, 11,00,000 में से माइनस कर दें 80 और 97, 11,00,000 में से 80 और 97 माइनस कर दें, सही है भाई, 9,23,000। ये आपके दोस्तों ने मुझे बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपको समझ में भी आ गया होगा। सर इसके प्रीपेड का क्या हुआ, अरे यार ये माहिन का मसला है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, ये माहिन का मसला है, वो जो करना चाहे इसका करे। उसने कहा मैं ये बिजनेस में नहीं लाऊंगी, तो नहीं लाए, वो खुद रख ले इसको संभाल के अपने पास, ठीक है। अब अगली एंट्री देखते हैं, सेकंड क्या बनेगी, राहीन इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, बोलो क्या, ₹2,00,000 क्या, जमीन और बिल्डिंग 60,000 की। तो पहला डेबिट लैंड 2,00,000, बिल्डिंग 60,000, और लेकर आ रही है मजीद क्या, कैश, ताकि उसका कैपिटल माहिन के हो जाए बराबर। तो जरा जल्दी से सब बच्चे माहिन का कैपिटल दोबारा बताएं, मैंने कितना बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने काम नहीं भी किया हुआ तो क्या हुआ, मैंने माहिन का कैपिटल बताया ना कितना निकलेगा, 9,00,000
23,000। ये माहिन का कैपिटल निकलेगा कैसे, जब आप कैश डेबिट करेंगे 50, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे 2,50,000, मर्चेंडाइज डेबिट करेंगे 3,00,000, इक्विपमेंट डेबिट करेंगे 4,00,000, गुडविल डेबिट करेंगे 1,00,000 और पहला क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेबल 97, दूसरा नोट्स पेबल 80, तो डिफरेंस की अमाउंट आएगी 9,23,000। सही है, 9,23,000 का मालिक कौन बनी है, माहिन। और राहीन चाहती है वो भी मालिक बने 9,23,000 की, तो राहीन ऑलरेडी बिजनेस में क्या क्या ला चुकी है बताओ, 2,00,000 रुपए की लैंड और 60,000 की बिल्डिंग। तो 9,23,000 में से इन दोनों को क्या कर दूं मेरे बच्चों, माइनस। शुक्रिया, तो जरा करके देख लो सब लोग, कैलकुलेटर में लिख लो, अगर हाथों में तकलीफ ना हो, उंगलियों में मेहंदी ना लगी हुई हो। 9,23,000 माइनस 2,00,000 माइनस 60,000, जवाब आया 6,63,000। क्या यही है 6,63,000। अब आप एंट्री समाप्त फरमाइए, राहीन वाली दोबारा, कैश डेबिट सॉरी लैंड डेबिट 2,00,000, बिल्डिंग डेबिट 60,000, कैश डेबिट 6,63,000 एंड राहीन कैपिटल क्रेडिट 9,23,000। इजी है ये, तो सर आपकी वो है पढ़ाई का अंदाज क्या आपको इजी लग रहा है, जब इंसान अच्छे से पढ़ता है मेहनत करता है तो उसे सब इजी लगता है, वरना इजी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल इजी हो जाता है, ये पढ़ने के ऊपर है। अच्छा इसकी तो जनरल अल्हम्दुलिल्लाह कितनी एंट्रियों में बन गया, जनरल कितनी एंट्रियों में बन गया, तो फिर इसके बाद क्या बनानी है, बनानी आती है, गुडविल को कहां प्रेजेंट करोगे आयशा, गुडविल को कहां लिखोगी बेटा, एंट्री में नहीं बैलेंस शीट में पूछ रहा हूं, कुनूत आयशा, कुनूत नजर आहिल, शुक्रिया आयशा, वेरी गुड एक्सीलेंट, किस्सा जहरा, गुडविल को कहां लिखोगी मेरा बेटा बैलेंस शीट में, एसेट में, एसेट में कहां लिखोगे राहिल भाई, आयशा एसेट में कहां लिखोगी, थैंक यू निम्रा, थैंक यू राहिल, थैंक यू आयशा, किस्सा जहरा ने जवाब नहीं दिया या पहले ही दे चुकी हैं। अशर भाई जिंदा है, अशर भाई जिंदा है या शर्मिंदा है, आप भी जवाब दिया करें सर, सब लोग जवाब देते हैं, मैं नाम ना भी लूं तो आप जवाब दिया करें। गुडविल किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम जो उसे पहुंचाता है फायदा, जावेद निहारी का एक अच्छा नाम बन चुका है जो उसे पहुंचाता है फायदा, ट्रूमैन का मार्केट में एक अच्छा नाम बन गया है जो उसे पहुंचाता है फायदा, केएफसी का एक अच्छा नाम मार्केट में बन गया है जो उसे पहुंचाता है फायदा। तुम भी अगर केएफसी की तरह की चीजें अपने इलाके में लगा लो तो क्या तुम केएफसी के बराबर प्रॉफिट कमा सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब है केएफसी का मार्केट में एक अच्छा नाम है, बाटा का मार्केट में एक अच्छा नाम है, बोनेंजा का मार्केट में एक अच्छा नाम है, सना सफीनाश का मार्केट में एक अच्छा नाम है। सही है, इसी तरह बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड का अपना मार्केट में एक अच्छा नाम है जो उसे पहुंचाता है फायदा। यस, तो इसके पैसे इसलिए कि कुछ ना कुछ अमाउंट की शक्ल में लिखेंगे ना उसे, जब किसी को अपने साथ शामिल करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा उसे कि आपको भी फायदा होगा, मेरे साथ मेरा अच्छा नाम आ रहा है तो उसका कितने रुपए होंगे, आपको मैं गुडविल कंप्यूट करना नहीं सिखा रहा, सवाल में दी हुई है, सिर्फ आपने लिखनी है और उसे ट्रीट क्या करना है अपना, इसके अमाउंट कैसे निकालते हैं ये बाद में सीखेंगे जब आप थोड़े बड़े होंगे। सही है, मैं समझ गया आपका सवाल। ओके, आज की क्लास किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी, बहुत